आज यूं ही सोचते सोचते एक ख्याल आया, क्यों ना किसी की खुशी का कारण बना जाए, किसी को इतनी खुशी दी जाए जो वो हमेशा याद रखे। इस बिजी दुनिया में हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, क्यों ना आज किसी का सपना पूरा किया जाए। तो बस क्या था, उठाया मैंने अपना फोन और ट्रेडिंग करना शुरू किया। मैंने सोचा ट्रेडिंग करके कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो सीधा जाके बांट देंगे। लेकिन फिर एक बात मेरे दिमाग में आई, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो पैसा हम ट्रेडिंग से कमाएंगे उसका एक फोन खरीदा जाए, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जो लोगों का सपना होता है, महंगा फोन। बस आइडिया अच्छा लग गया, ट्रेडिंग की $1000 की ट्रेड लगाई, और ये जो ट्रेड मैंने लगाई ये 3 कॉन्फर्मेशन पैराबोलिक सार वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके लगाई। ये स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे आप थंबनेल देख सकते हैं। ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद मैंने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया, $820 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब मैंने सोचा $820 में कौन सा ऐसा फोन है जो हम ले सकते हैं, जो लोगों को दे सकते हैं। मन में ख्याल ये भी था कि अगर किसी का सपना पूरा करना है फोन लेने का, तो वो जो फोन है वो अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। गाड़ी में बैठा और चल दिया किसी एक इंसान को खुशी देने के सफर पे। गाड़ी चलाते हुए सिर्फ यही चीज मेरे दिमाग में थी कि जब मैं उस इंसान के चेहरे पे खुशी देखूंगा तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। फिर क्या था, हम मंजिल पे पहुंचे। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, बाजार लगा हुआ था मोबाइल फोन्स का। मैं एक शॉप में गया, मैंने शॉपकीपर से बात की, उसने मुझे बताया इस बजट में सबसे नया और सबसे लेटेस्ट जो फ़ोन होगा वो सैमसंग S24 अल्ट्रा आपको मिलेगा। तो फाइनली बहुत रिसर्च के बाद, बहुत बात के बाद मैंने एक फ़ोन जो है वो परचेस कर लिया। बट अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि अब मैं किसको ये फ़ोन दूँ, कैसे दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोच तो लिया था कि ये करना है, बट अभी तक मेरे दिमाग में ये नहीं पता था मुझे कि करना कैसे है, मैं किस इंसान को फोन दूँ। बस यही सोचते सोचते मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा, गाड़ी के अंदर बैठा और अभी भी मैं यही सोच रहा था। सामने से आते हुए लोगों के एक्सप्रेशन जब मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला इतनी भीड़ में एक ऐसा इंसान ढूंढना जो परेशान हो, ये मुश्किल काम नहीं है। मैंने नोटिस किया हर कोई किसी न किसी कारण की वजह से परेशान है। कोई जॉब करके घर पे लौट रहा है लेकिन दिमाग में यही है कि कल वीकेंड नहीं है, कल फिर से मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा। और कोई बिजनेसमैन वापस लौट रहा है अपने काम से और उसके चेहरे को देख के पता लग रहा है कि आज उसका बिजनेस अच्छा नहीं हुआ। और कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी मुझे नजर आई। और इसी बीच मेरी नज़र सामने से आते हुए 2 लोगों पर पड़ी। जब मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा मुझे लगा ये आपस में लड़के आए या फिर कोई ऐसी वजह है जिस वजह से ये परेशान है। तो बस क्या था, मैंने उनसे बातें की। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं 1 मिनट ले सकता हूँ? जी। कहाँ से आप? इंडिया। इंडिया से? जी। इंडिया में कहाँ से? नासिक। ओके, नासिक से। क्या आप मेरे को जानते हैं, मतलब कभी देखा है YouTube पे, Instagram पे, कहीं पे भी? नहीं देखा? और फेमस होना पड़ेगा। ओके सो गाइस, मेरे पास आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज है, ठीक है, एक गिफ्ट है। तो मेरे पास $500 है और एक मेरे पास ये गिफ्ट है जिसमें मुझे नहीं पता क्या, आपको भी नहीं, मतलब ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कुछ भी हो सकता है, खाली भी कुछ हो सकता है। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप $500 ले सकते हो और या ये सरप्राइज ले सकते हो, और जो भी आप लोगे इट विल बी योर्स, इट विल बी कम्प्लीटली योर्स फॉर फ्री। मैंने देखा यार आप लोग उधर से आ रहे थे और आप ना खुश नहीं दिख रहे थे, तो व्हाट आई फील कि कोई कुछ ऐसा खुशी का मोमेंट मैं दे पाऊँ आपको आज के दिन के लिए, सो इट विल बी वेरी प्लेजर फॉर मी, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी। सो व्हाट यू विल चूज? चॉइस इज योर्स। गिफ्ट ले लेते ना। गिफ्ट? आर यू श्योर? श्योर। खाली भी हो सकता है। हाँ ठीक है।
इट्स योर्स, देख लो क्या है। इफ यू वांट टू चेक, सीरियस ओपन कर दे, एक बार छूट भी हो सकता है ना। सीरियसली थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्निकल अभी YouTube चैनल। फोन देखने के बाद जो खुशी मैंने उनके चेहरे पे महसूस की, कसम से यार मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जो मोटिव था मेरा, वो मेरा मोटिव पूरा हुआ। बस फिर क्या, चल पड़े घर की ओर, इसी उम्मीद में कि एक नए दिन नए सूरज की किरण के साथ फिर से कभी किसी मोड़ पे किसी को इतनी खुशी मैं दे पाऊं। इस वीडियो को पूरा देख के मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।